हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कल जो एग्ज़ाम हुए थे उनके मैंने वीडियो डाल दिए हैं, आपने देख ली होगी। नहीं देखिए तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देख लीजिएगा। अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम होने वाले, क्वेश्चन आने वाले, उनके आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे और पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, तो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग सेम क्वेश्चन उठा रहे हैं उसी उन्हीं टॉपिक में से, तो मैं देखते हैं आज के जो क्वेश्चन है मैं आपको लेके आया हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप रेलवे डी ग्रुप असिस्टेंट लोको पायलट एसएससी बैंक आईबीपीएस रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं ज़बरदस्त, तो एन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और सर्च बॉक्स में जाके सर्च कीजिए स्टडी प्लस, आप यहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको यहां पे लाइव क्लास या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलने वाली है जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको यहां पे हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग के कोर्स मिलने वाली है जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं जो क्वेश्चन है आज के मोस्ट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है, तो आप बता सकते हैं वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक है, ठीक है दोस्तों। आप देख लीजिएगा यहाँ पे नाइट्रोजन, मूत्र का पीएच मान क्या होता है, ठीक है। सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। बीजीसी का पूरा नाम क्या है, बेसिलस कैमलेट ग्यूरिन। बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। पानी का अधिकतम घनत्व क्या हो कब होता है, जब पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व होता है। सक्रिय रोग होता है विटामिन सी की कमी से, ठीक है। एलईडी का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। वियतनाम की राजधानी जो है हनोई। बाबा साहेब पुरस्कार, जो बाबा पुरस्कार है वो आपको पता है कि जो शोध होता है उसमें मिलता है डिफेंस क्षेत्र में, ठीक है, जो परमाणु संयंत्र है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो मैथिली वृद्ध रूप से किस भाग में बोली जाती है, देश के बिहार में। कार्य की इकाई है जूल। द गोल्डन हाउस ये बुक है किसने लिखी है, सलमान रश्दी ने। लीव वर्ष में दिन होते हैं 366 दिन। और एक क्वेश्चन है जो एज और कोडिंग डिकोडिंग से पेपर में उठा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है, आप मोस्ट क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से ताकि आपको आगे की पल पल की अपडेट मिलती रहें और क्वेश्चन मिलते रहें।